नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अभेद्य सीमाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा, उन्होंने कहा। सीमा की कुल लंबाई में से मोरेह मणिपुर में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाएंगे। इसके अतिरिक्त मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जनवरी में द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी थी कि केंद्र ने संपूर्ण भारत म्यांमार सीमा के लिए एक उन्नत स्मार्ट बाढ़ प्रणाली के लिए निविदा शुरू करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने कहा, हम जल्द ही भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने जा रहे हैं। हम पूरी सीमा पर बाढ़ लगाने जा रहे हैं। अगले 4.5 साल में बाढ़ लगाने का काम पूरा हो जाएगा। आने वाले किसी भी व्यक्ति को वीजा लेना होगा। इससे पहले पिछले साल सितंबर में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र से अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर FMR को स्थायी रूप से बंद करने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार और म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने की दिशा में काम कर रहा है। मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग 390 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करता है, जिसमें से केवल 10 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1643 किलोमीटर तक चलती है। FMR दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जो सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है। FMR के तहत पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है या म्यांमार का नागरिक है और जो सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर किसी भी क्षेत्र का निवासी है, एक सीमा पास दिखाकर सीमा पार कर सकता है। वर्ष की वैधता और 2 सप्ताह तक रह सकती है, लेकिन यह कदम चुनौतियों से भरा होगा। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि पहाड़ी इलाके में बाड़ लगाना करीब करीब असंभव है। भारत की यह योजना सीमाई इलाके के लोगों में दशकों पुराने संतुलन को बिगाड़ सकती है और पड़ोसियों के साथ तनाव भी बढ़ा सकती है। सीमा पर बाड़बंदी जहां की जानी है, उसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। ऐसा लगता है कि यह कदम 2 बड़े घटनाक्रमों की वजह से उठाया गया है। पहला, फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में संघर्ष बढ़ने से भारतीय हितों के लिए बड़ा खतरा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस लड़ाई में करीब 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। हाल के हफ्तों में जनजातीय विद्रोहियों ने चीन राज्य के प्रमुख शहर पलतेवा पर कब्जे का दावा किया है। इससे म्यांमार और भारत के बीच एक प्रमुख मार्ग बाधित हो गया है। दूसरा, पिछले साल मणिपुर में आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा भड़क गई, जिसकी म्यांमार के साथ करीब 400 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी हुई है। बहुसंख्यक मैतई और आदिवासी कुकी अल्पसंख्यक समाज में हुई झड़पों में 170 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में भी सरकार है। सरकार ने बड़ी संख्या में आए अवैध प्रवासियों की बात की है और कहा है कि मणिपुर में आकर बसने वाले म्यांमार के प्रभावशाली ड्रग माफिया और पोस्त की खेती करने वालों ने हिंसा को और भड़काया है। पिछले जुलाई में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री थान स्वे से बात की थी। उन्होंने उन्हें बताया था कि भारत के सीमावर्ती इलाके की स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा था कि सीमा पर ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे हालात और बिगड़ें। उन्होंने मानव और मादक पदार्थों की तस्करी पर भी चिंता जताई थी। ताज़ातरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।